हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का जो हमारा ब्लॉग है बहुत 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 ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूं आप लोग के साथ में मुंडन समारोह का जो प्रोग्राम है उसको। और उसके लिए भी देखिए, हम लोग रास्ते से निकल गए हैं और ये हम लोग के कॉलोनी के बाहर का दूसरे साइड का रास्ता है। यहाँ से हम लोग सीधे डायरेक्ट रोड पर निकलेंगे, शॉर्टकट रास्ता है हमारे घर से। और हम लोग आ गए वहाँ मंदिर पे जहाँ की मुंडन समारोह होना है। और ये मंदिर जो है हमारे पूर्वजों का है और ये चंद्रिका देवी माता का मंदिर है। इनका फोटो हम लोग घर पे लगाए हुए, आप लोग कई बार देखे भी होंगे, पूजा करते टाइम पे मैंने दिखाया है पहले भी। और उसके बाद चाहे घर के बेटे हो या बेटियाँ हो, उनके बच्चे जो भी हो, तो उन लोग का मुंडन समारोह चाहे कहीं भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक बार होना ही होना है और होता भी है, तो बस वही है। और अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर पर, तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से सारे लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा लोग इसलिए हो गए क्योंकि भाभी के मायके से भी कुछ लोग हो गए थे और उनकी जो बेटी है जिनके बच्चों का मुंडन, उनके ससुराल से भी कुछ लोग हो गए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लोग हो गए हैं यहाँ पर। और पहले यहाँ पर होगा पूजा, तो क्या बोलते हैं, मुंडन के पहले पूजा किया जाता है, पूजा के बाद फिर मुंडन होता है। तो मैं देखी हूँ कई बार मुंडन समारोह, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार देखी हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद देखती रहती हूँ। पिछले साल मेरी भतीजी का जब हुआ था तो पूजा पाठ हो गया था, सिर्फ मुंडन उसका करना था और बुआ लोग रहती है मुंडन में, तो इसलिए मेरा वेट हो रहा था। तो जैसे मैं पहुँची वहाँ पर तो उसका बाल बना वहाँ पर, इसलिए मुझे कुछ ठीक ठाक से याद नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो प्रसाद है वो सब कुछ निकलना हो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। और भाभी बैठ गई है मूर्ति के सामने वहीं पे, तो बारी बारी से सारे सामान इधर से दिए जाएंगे और उधर से चढ़ाएंगी। और यहाँ पे धनु को भेजा गया था पानी लाने के लिए, तो साथ पानी गंगा जल घर से आया हुआ है और इसी डिब्बे में तनु को पानी लाने के लिए भाभी बोली है, तो तनु जाएगी भी बाहर लाने के लिए। और तनु की बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम पे आकृति, तो तनु जब से यहाँ पर आई है पढ़ रही है और मतलब यहाँ पर रहती है, तो आकृति से और तनु से ज़्यादा मेल मिलाप रहता है। तो यहाँ पर बारी बारी से हो रहा है पूजा की तैयारी। भाभी जब से अपना पूजा कर रही थी, मैंने सोचा चलो बारी बारी से मैं भी सारे भगवान जी जो यहाँ पे हैं उनका दर्शन पूजन कर लूँ, तो मैं यहाँ महादेव के मूर्ति के पास आ गई। और मेरे इष्ट देवता है बोल सकते हैं, या बचपन से जो मेरे गुरु देवता जो भी बोल सकते हैं आप, इनको कोई भी परेशानी होती है तो मैं इनको ही याद करती हूँ पहले, बस वही चीज़ है। तो बस मैं आ गई इनका दर्शन करने के लिए। और एक वही कहावत हो गई कि सब कथा खत्म सीता का विवाह ही नहीं, तो बस वही हाल है कि मैं इतना सब कुछ बता दी बोल दी पर मैं बताना ही भूल गई कि मुंडन किसका हो रहा है यहाँ पे। तो बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो मुंडन होने वाला है भाभी की छोटी वाली मतलब बड़ी वाली बेटी यानी शुभम की बड़ी दीदी जो है रूपम, तो उनके बेटे और बेटियों दोनों लोग का होने वाला, पहले उनकी बेटी का होने वाला था लेकिन फिर वो होता है कि पेट में जब दूसरा बच्चा पड़ जाता है तो मुंडन समारोह नहीं होता पहले वाले का, जब छोटा वाले का पहले हो जाता फिर बड़े वाले का होता है, तो इसलिए रुक गया था। और उस तो पहले इनके बेटे का होगा फिर उनकी बेटी का होगा। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही दर्शन करने के लिए लाइन में हूँ, बारी बारी से सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं फिर बाहर निकल जाए, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए बारी बारी से लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा का विधि समापन जो है अब पूरा हो गया है, अब लोग और जो भी कार्यक्रम बचा है वो बाहर का बचा है, तो धीरे धीरे लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं ताकि बाहर का जो कार्यक्रम है उसको पूरा कर। थैंक यू बोलो। हाँ कौन है?
तो अभी सब लोग आ गए बाहर और यहाँ आटे से चौक बनाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो इसको चौकी बोला जाता है। आप लोग क्या अगर कुछ नया बोला जाएगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और उनका ये बेटा है, तो पहले इसका मुंडन होगा फिर इनकी बेटी का होगा। और ये अपने ननिहाल बहुत कम आता है, उनकी बेटी जो तो हमेशा आती रहती है, ये नहीं आता है क्योंकि अपने पापा लोगों के पास, दादी दादा के लोग के पास ही बहुत ज़्यादा रहता है, अपने मम्मी के साथ भी नहीं आता है। तो यहाँ तो पल किसी को पहचान नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि पहले ही चाकू देख लिया, तो चाकू देखते ही आधा डर गया और इस तरह से भाग रहा है। तो ये है उनके बड़े पापा, तो खुद से पानी लगाया जा रहा है उसके बालों पर और भागा जा रहा है कि उसको नहीं बनवाना। उसको भी पता चल गया कि चाकू है तो मेरा, जैसे वो डराया जाता है बच्चों को कि चाकू से कान कट कर दिया जाएगा, तो बस वही हाल है, उसको लगा कि मेरा कान कट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए बस रो रहा था, चिल्ला रहा था और इतनी तेज चिल्ला रहा था कि अगर अगल बगल के लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे मुंडन समारोह हो रहा है तो सोचेंगे कि किसी बच्चे का अपहरण किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल हो गया था उसका और काफी तेज रोए जा रहा था। उसका बाल बनवाते बनवाते कम से कम आधे घंटे लगे क्योंकि वो इतना तेज रो रहा था इतना तेज रो रहा था कि मतलब रुक रुक के किसी तरह से उसका बाल बनवाया गया। और फिर उसके बाद आई इनकी बेटी की बारी, तो इनकी बेटी भी बहुत रो रही थी लेकिन जैसे ही मुझे देखे शांत हो गई क्योंकि थोड़ा मुझसे वो डरती है, तो मैं सामने उसके बैठ गई तो शांत हो गई और आँख बंद करके चुपचाप बनवा ली, तो उसका थोड़ा जल्दी से बन गया। और ये जो बाजे वाले भैया लोग हैं उनके बारे में भी हमको कुछ बातें करनी है, तो मैं उनके बारे में बात करूँगी लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है मैं उनके उस बारे में बता रही हूँ, मैं तो उनके बारे में भी बताती हूँ। हम थे शुभम थे और कुछ देर के लिए भैया जो थे मतलब जो लोग बाजार, तो उसे हम लोग की बातें हुई तो हम लोग उनकी बातें सुने, बहुत तकलीफ बहुत दुख हुआ। तो मुझे उन लोग के बारे में कुछ बातें जो बात हुई उसको शेयर करना है आप लोग से, मुझे बताना है कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है। मैं तो सुन ली लेकिन मैं चाहती कि आप लोग तक भी वो बात पहुँचे। We'll be right back.
ये बाबू का मुंडन है और नंगे पैर चल रही है। देखिए कितना है, कितना बेचारी वो कर रही है तपस्या। लड़की का काम सब इसके पास चले जाएंगे आज के बाद, मैं तो क्या करिए ही लेके वीडियो कहां, हमारे कहां कर देगा। आप जब तो मैं अपने भौजाई से बात कर रही हूँ, यानी अपने भाभी से। कोई देखेगा तो बोलेगा पागल है क्या। सारे लोग चले गए, पीछे जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। नहीं देखो, मैं खुद अपना बना रही हूँ। हाय गाइस, मेरी आंटी वीडियो बना रही होगी घूंघट करते हुए। मेरा बचपन से शौक था मैं घूंघट में वीडियो बनाऊं। घूंघट करते हुए बना रही हूँ।